ओम शांति। भारतर भाग्य विधाता संतान मानंकु तंकर पूर्व स्मृति फेराई पुनर्बार स्वर्णिम भारतर मालिक करैबा पई विश्व विधाता पिता परमात्मा आसिछंती एई धरा पृष्ठ को तेबे आसंतु सुनिबा सेही पतित पावन भगवानंकर किछि अमूल्य महावाक्य। भगवान कहुछंती एही भारत जेतेबेले स्वर्ग थिला सेतेबेले तुमे संतान माने खूब आलोकरे अर्थात सुखरे थिलो। एबे तो अंधकार होई जाइछि अर्थात दुनिया संपूर्ण दुख अशांति रे परिपूर्ण होई जाइछि। तेणु एबे पुनर्बार सेही आलोक को जीवाकु हेबो। भगवान एबे आमर 84 जन्मर कहानी सुनाउछंती। प्रथमे प्रथमे आमे जेतेबेले जन्म नैथिले से समय रे एकमात्र दैवी धर्म ही थिला। पुणी दुई युग परे आमे माने बड़ बड़ मंदिर करी भक्ति आरंभ कले। वर्तमान आमर अंतिम जन्मर अंतिम समय अटे। भगवान कहुछंती तुमे माने डाकुथिलो ना हे दुखहर्ता सुखकर्ता आस आमर दुख दूर कर आमको उद्धार कर तेणु मु एबे आसीछि। मते मने पकेले मु तुम मानकु एही संसार सागर रु पारी करी देबी। बाबा कहुछंती तुम संतान मानकु मु सत्य जुगी स्वर्ग राज्य प्रदान करिथिली जेउठी तुम मानंकर सुना हीरार महल थिला संपूर्ण सुख शांतिपूर्ण दैवी जीवन थिला अचलाचल संपत्तिर तुमे मालिक थिलो जहा पुणी पछरे मुसलमान राजा माने लुटी नहीं गले एवं भारत संपूर्ण कांगाला होई जाइछि। इतिहास साक्षी अछि केवल सोमनाथ मंदिर रु से माने ओट ओट भरी धन संपत्ति नहीं जाइथिले। एथिरु आमे माने अनुमान लगाई परिबा जे सारा भारत सेतेबेले केते धनवान नथिबो। पुणी सत्य युगर कथा तो आहुरी नियारा। एथिरे संदेह करिबा बा अंधविश्वासर कोनोसी कथा ही नाही। वर्तमान विश्व रचयिता बाबा पुनश्च से ही राज्य प्रदान निमित्त शिक्षा प्रदान करुछंती। जिए एही शिक्षा ग्रहण करी निज जीवन रे धारण करिबो से ही सही राज्यर अधिकारी हेई परिबो। परमात्मा कहुछंती एही ज्ञान मार्गरे कौनसी असुविधा नाही। भक्ति मार्गरे केते कष्ट करिबाकु पड़ुछि जप तप तीर्थ आदि केते कष्ट स्वीकार करि करुछंती। शेषरे सूर्य चंद्र आमे जानिछे सेमाने आलोक देउछंती किंतु सेमाने कौनसी देवता नुहंती तथापि तांकु देवता रूपरे पूजा करुछंती पाणी टेकुछंती ओम सूर्य देवताए नम कहुछंती। किए केते भी विज्ञ होइथांतु किंतु भक्ति द्वारा एपरि बसीभूत जे सेमाने मध्य सेहिभळी करुछंती। एथेरु आमे आम निजकु मध्य जानिपारिबा कि शास्त्र पुराण आदि पढ़ी आमे केते बुद्धिमान होइछु बा कौन। तेणु ज्ञानर सागर परमात्माक ज्ञान ही आमको वास्तविक भावरे अंधकाररु बाहर करी आलोक प्रदान करिपारिबो। ईश्वरीय महावाक्य आत्माकु खराब संस्कार आत्मा देहरु खराब संस्कार को बाहर करिबा पई देही अभिमानी होई रहिबार अभ्यास करिबा को हेबो। अर्थात मु देह नुहे देह भितरे बा देह को धारण करुथिबा देह द्वारा कर्म संपादन करुथिबा मु देही बा आत्मा अटे एही स्मृति रे रहिबा को हेबो। एही जन्म समस्त आत्मा मानंकर बाणप्रस्त अवस्था अटे। सेथिपाई पुण्य आत्मा हेबार परिश्रम करिबा को हेबो। देहर सबु संबंध को छाड़ी एकमात्र बाबा एवं बाबांक द्वारा मिलुथिवार राजत्व को मने पकेबा को हेबो। सृष्टि रूपक वृक्षर मंजी एवं वृक्षर ज्ञान को स्मरण करी सर्वदा हर्षित रहिबा को हेबो। भगवान कहुछंती जेउ माने आधारमूरत आत्मा सेमानंक उपरे ही समस्त दायित्व न्यस्त थाए। एबे तुमे माने जेउ रूपरे एवं जेउठारे भी पाद पका अर्थात कर्म करिबो सेहिपरि अनेक आत्मा तुम मानंकु अनुकरण करिवे। यहा मध्य तुमर दायित्व अटे।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଏ। ଏହିଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ କ୍ଲାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସନ୍ତୁଳନ ରଖି ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।